दिल्ली सरकार की ओर से भी तमाम बातों का जिक्र किया गया था, उनमें से कई बातें मान भी ली गई हैं, लेकिन मेट्रो सेवा पूरी तरह से बंद रखने का फैसला केंद्र सरकार की ओर से किया गया है। किस तरह की प्रतिक्रिया दिल्ली में देखने को मिल रही है पुनीत? देखिए, आपको बता दूं कि लगभग जो पहले जैसा लॉकडाउन 3 में चल रहा था, वैसा ही कुछ लॉकडाउन 4 में भी किया गया है। हालांकि मजदूरों को लेकर के, माइग्रेंट्स को लेकर के तमाम जो कही गई थी नियम कानून, उन्हीं को फॉलो करने के लिए बताया गया। आपको बता दूं 31 मई तक जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी तरीके की जो एयर ट्रेवल है वो बंद रहेगा, इंटर स्टेट और इंटरनेशनल। सिर्फ जो जरूरी और स्वास्थ्य सेवाएं, एयर एम्बुलेंस है, वो चलेंगी। इसके अलावा ट्रेन जो बंद रहेंगी, सिर्फ श्रमिकों को ले जाने के लिए ट्रेन चलाई जाएंगी। किसी भी तरीके के होटल, पब, रेस्टोरेंट ये बंद रहेंगे, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, किसी भी तरीके की पॉलिटिकल या सोशल गैदरिंग पूरी तरीके से नहीं होगी। यहां तक कि एजुकेशन, स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस को चलाने के लिए कहा गया है। और यहां पर मैं चित्र आपको बताऊंगा, जो कंटेनमेंट जोन है उनको खासतौर से हिदायत दी गई है कि वहां पर लॉकडाउन का पालन किया जाए। 9 पन्ने का यह एडवाइजरी यहां पर जारी की गई है, और जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी तरीके से कोताही यहां पर नहीं बरती जाएगी। और नाइट कर्फ्यू की अगर बात की जाए तो रात के 7 बजे से लेकर के सुबह के 7 बजे तक आवागमन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज की जो गाड़ियां हैं वही चल सकती है। दूसरी तरफ यह भी एडवाइजरी जारी की गई है कि जो 65 साल की उम्र के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, 10 साल तक के बच्चे हैं और प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो घरों से बाहर ना निकले। ये पूरी तरीके से एक एडवाइजरी को जारी किया गया है, और कोरोना को ख्याल रखते हुए यहां पर लगभग 9 पन्नों का ये एडवाइजरी है जिसको फिलहाल यहां पे जारी की गई है, और 31 तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। इसके अलावा इंटर स्टेट बस सर्विसेज को भी रोका गया है, और यह कहा गया है कि राज्य डिसाइड करें कि वो अपने राज्य में या दूसरे राज्य में अगर वो बस सर्विस चालू करना चाहते हैं तो वो उनके बीच में सहमति होगी। तो पूरी तरीके से ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है फिलहाल उसको रोका गया, सिर्फ आपसी सहमति पर राज्य सरकार अपने यहां पर बसें चला सकती है। यानी कि इस बार अगर देखा जाए तो पहले के मुकाबले राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, जिसकी मांग भी उन लोगों की ओर से लगातार की जा रही थी। सीधे रुख कर लेते हैं चंडीगढ़ का, मंजीत सहगल हमारे सहयोगी वहां से जुड़ चुके हैं। मंजीत, अब तो जो जोन है यानी कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन, वो भी राज्य सरकारें डिसाइड करें कि अपने राज्य में उनको इसको कैसे डिवाइड करना है। इन अधिकारों की मांग बार बार राज्यों की ओर से की जा रही थी, केंद्र सरकार ने फाइनली ये फैसला उनके भरोसे ही छोड़ दिया है। कैसी प्रतिक्रिया आप देख रहे हैं आसपास? जी बिल्कुल चित्र, आप सही कह रही हैं। पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसने पहले ही जो लॉकडाउन था वो 31 मई तक बढ़ा दिया था। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बाकायदा पत्र लिखकर केंद्र से कहा था कि किस जोन में किस तरह की सुविधाएं दी जानी है, किस तरह का रिलैक्सेशन देनी है, उसका अधिकार राज्यों को दिया जाना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी साफ किया है कि जो कंटेनमेंट जोन है उसमें किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी, और जो ऑरेंज जोन है या फिर ग्रीन जोन है उसमें कई रियायतें देने के पक्ष में कैप्टन अमरिंदर सिंह है। इसके बारे में जो डिटेल्ड जानकारी है वो सोमवार को हमें मिल जाएगी। फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह साफ किया है कि वो परिवहन सुविधाएं भी कई शर्तों के साथ चलाने के लिए विचार कर रहे हैं, और लेकिन स्कूल और कॉलेजेस नहीं खोले जाएंगे, धार्मिक संस्थाएं नहीं खोली जाएंगी, क्योंकि पंजाब में जो कोविड-19 का मामला है, वो लगातार बढ़ रहे हैं, और इन्हीं मामलों के मद्देनजर पंजाब सरकार कंटेनमेंट जोन्स में किसी भी रियायत को देने के पक्ष में नहीं है, और बाकी जो दूसरे जोन्स हैं उनमें रियायतें दी जा सकती हैं।